वाईदू न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। ये भारत में जो हिंदुत्व सोच है और वो बकायदा अमली तौर पे अब नजर आ रही है, किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्या इससे बाहर निकलने का शायद इतिसा आप ऑनेस्टली बताइएगा कोई रास्ता नजर आता है आपको? इसका एक ही रास्ता है बाहर निकलने का कि भारत जो है वो मुझे बिखरता हुआ और टूटता हुआ नज़र आ रहा है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। इसके अलावा इस मोजी शख्स और ये पागलपन की हद तक जहाँ तक ये जा चुका है और जहाँ तक ये अपने मुल्क को ले जा चुका है, इसका और कोई रास्ता नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो जुल्म और तशद्दुद और जो बर्बरियत वहाँ पर है, वो पहले कश्मीर में थी, अब वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है। और ख़ासकर ये जो आपने बात की कि ये जो नई वायरस है, उस वायरस को उसने एक जिहाद का नाम दे दिया है। यानी वो ये कहना चाहता है कि ये वायरस ये एक जिहाद की सूरत में मुसलमान फैला रहे हैं। उस पागल शख्स को ये नहीं परवाह, दुनिया तो सुन रही है ना। ये अच्छी बात है कि वो इस तरह की ऑल फॉल बातें कर रहा है, दुनिया को तो मालूम है कि ये मुसलमानों की बनाई हुई या मुसलमानों की फैलाई हुई वायरस नहीं है। ये अच्छी बात है कि वो इस तरह अपना पागलपन और वो दिमाग दिखा रहा है जो एक चाय वाले के तौर पे, जो असल में उसकी औकात है, ये वही औकात है और ये वही शख्स है उसके अंदर जो बोल रहा है, जिसको कोई परवाह नहीं, जिसको कोई पता नहीं, जो कोई एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ नहीं सकता, जिसके नज़दीक और सबसे बड़ा दुश्मन खुद नरेंद्र मोदी है और साबित होगा, हो रहा है, वो यही है और यही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि इसी के वक्त में मुझे भारत टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐन कुदरती अमर है और ये होने जा रहा है। जिस तरह वहाँ पे मुख्तलिफ रियासतें हैं, उन्होंने तकरीबन बगावत का आलम बुलंद कर दिया है। ये जो ख़ासकर इसने शहरियत वाला उसूल बनाया, वो उनको बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और इससे पहले जो कश्मीर में हालात हैं वो भी वो देख चुके, और जो दुनिया कह रही है, दुनिया का कौन सा इदारा है, अक़वामे मुत्तहिदा से ले लें, यूरोपियन यूनियन ले लें, अमरीका को ले लें और पूरे मगरब को ले लें, जहाँ उनके खिलाफ आवाज़ें नहीं उठी। और ख़ासकर जैसे मैंने कहा, देखें ये न्यूक्लियर पावर का दोनों मुल्कों का होना, और ख़ुदा ना खास्ता अगर कल को ये एटमी जंग का ख़तरा मोल लिया जाता है, तो उसमें सिर्फ इस खत्ते पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पूरी दुनिया पे फ़र्क पड़ेगा। ये जो रेडिएशंस हैं न्यूक्लियर, इसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे होगा। ये एक कुदरती अमर है, मगर वो अनपढ़ शख्स, बेवकूफ़ आदमी, पागल आदमी, वो इस चीज़ को ना समझता है। वो तो मुझे अभी भी याद है 27 फरवरी का जो किस्सा था, उसमें उसने ये बयान दिया, और मेरे लिए मैं बिल्कुल इसको समझने से कासर था कि इतना अनपढ़ और इतना जाहिल आदमी भी कोई हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर है सो कॉल्ड बहुत बड़ी जमहूरियत का, और वो कहता है बन गया भारत कि जी हमें भी नतायज बड़े अच्छे मिलते अगर मौसम ख़राब ना होता, और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया चाय बेचने वाला शख्स। तो अच्छी बात है, ये भारत का जो गिरना है वो इसी के नाम लिखा हुआ है, और यही गिराएगा, यही तोड़ेगा, भारत की तबाही इसी के हाथों होगी। यानी वो ये कहना चाह रहा था कि जी मौसम अगर अच्छा होता तो हमारे जहाज़ों को नतायज अच्छे मिलते, वो जब हमने उनके दो जहाज़ गिराए थे। तो ये बताने से वो कासिर है कि हमारे जहाज़ भी तो उसी मौसम में उड़ रहे थे ना जिन्होंने उनके दो जहाज़ गिराए। इस हद तक वो जाहिल शख्स है कि वो ये दुनिया को बताने से कासिर है। फिर आपको याद होगा शायद साहब, बल्कि मैं जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आपकी तरफ आती हूँ, ठीक है, आपने शायद साहब की भी गुफ्तगू सुनी। आपको याद होगा उनके अपने मीडिया ने उनको एक्सपोज करके रख दिया था, जब वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी जहाज है ना, कोई आप मलबा दिखा सके, जो जहाज गिरा मतलब जहाज नहीं हो गया, कोई सेफ्टी पिन होगी कि गिर गिर दिखाई नहीं दे रही है, गिरी वैसे तो पिन भी गिरी हुई दिखाई दे जाती है। तो जनरल साहब आपको नहीं लगता कि अपना मजाक खुद उड़वाते हैं ये भारतीय हुकूमत वाले, इनकी भारतीय सेना, और उसके बाद फिर जग घसाई के बाद इनको महसूस होता है कि पता नहीं इनकी अचीवमेंट, इनकी विक्ट्री है, ये एक अनदर आप कह सकते हैं कि एबनॉर्मेलिटी या पागलपन की इंतहा। पागल होता है उसमें,
तो जब तक डॉक्टर्स और सारे टिप के लोग उसको पकड़ के पान नहीं देते और बताते नहीं है, वो तो कभी नहीं मानता। डॉक्टर को बड़ी अपील करनी पड़ती है समझाने के लिए कि भाई साहब आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप बहुत देख जाना पड़ेगा। क्योंकि मोदी साहब को अगर आपको याद हो 2015 में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के अंदर खुद को पता नहीं कितना नुकसान पहुंचा दिया। यदि अमरीका से जीत ले गए तो वहां पर उन्होंने बयान दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक के नतीजे में हमने पाकिस्तान को इजाजत दी कि वो भारत के अंदर आ सकते हैं, जो मौजूदा कश्मीर है उसके अंदर से आके अपनी मैयत से उठा सकते। तो उन्हीं के जो रिपोर्ट उन्होंने सवाल किया कि साहब आप भूल गए हैं, पाकिस्तानी आपके नहीं आए थे, आप गए थे तो आपने राशन का शर्त को उठाने की इजाजत दी। तो ये कोई वाक्य तो है नहीं है, लेकिन पहले भी आपसे पहले आपको जवाब दें कि ये गैर जिंदगी रियासत थी, ये लोग इंसानियत की सबसे बड़ी तस्दीक के जिम्मेदार थे, जो ब्राह्मण साम्राज्य है, जो ब्राह्मण जायनिस्ट है, जो हिंदुओं का भी 3% है, जिन्होंने अपने लिए इंसानियत को इंसान मानने से इनकार कर दिया, लेकिन 60% जो भारत की आबादी थी उसको, तो ये गैर जिंदगी लोग थे। मुसलमानों ने आके इनको सबक सिखाया, मुसलमानों ने आपको इनको इंसानियत का सबक दिया, तो ये धड़ाधड़ मुसलमान हुए। अब इनको ये तो पता है कि मुसलमान क्यों हुए, अब ये उसको महसूस कर रहे हैं, तो इसका टूटना किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब मसला ये है कि ये टूटते टूटते नुकसान तो कर रहा है, ये नुकसान कर रहा है मुसलमानों का भारत के अंदर, ये नुकसान कर रहा है मुसलमानों का दूसरी जगह हुकूमत, ये जहां भी है कश्मीर पर ये नुकसान कर रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दुनिया को अब भी वक्त है इसको संभाल के भारत के टूटने का जमाना है उसको रेगुलेट कर दें, वरना ये तमाशा होगा और ये पागल शख्स अपने आप को आखिरी दांव के तौर पर कहीं भी लेके जा सकता है। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि दुनिया के लिए ये मौका है कि भारत के टूटने के अमल को रेगुलेट कर दिया जाए, वरना ये तमाशा कर जाएगा, ये शख्स बांध कर जाएगा दुनिया। ठीक है जी, ठीक। अच्छा जी, शायद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगे, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, 2 मिनट है मेरे पास ब्रेक पे जाने से पहले। जैसा कि मैंने जनरल गुलाम मुस्तफा की एक बात सुनी और मेरे जहन में एक पॉइंट है, मैंने कहा आपसे सवाल पूछूंगी। वो कह रहे हैं जी डॉक्टर जब तक बताता नहीं है कि तुम पागल हो, किसी पागल को पता नहीं होता कि पागल है। अभी मोदी को जो पागल डिक्लेयर करेगा वो डॉक्टर दुनिया में कहाँ मिलेगा, एक तो जरा ये समझा दीजिएगा। दूसरा, चाय वाला खुद इनका प्राइम मिनिस्टर है, तो ये पाकिस्तान की चाय पीने के इतने शौकीन क्यों हैं? 1965 में भी पाकिस्तान की चाय पीना चाहते थे, जिम खाना में आना चाहते थे नाश्ता करने के लिए, फिर अभी नंदन को भेज दे कि जाओ भाई चाय भी पी कर आओ और फिर जलील भी होकर आओ। जी बिल्कुल, और जब वो वापस गया तो उसको हार पहनाए और उसको एक हीरो बना दिया ताकि साबित कर सकें कि हमने पाकिस्तान का सबूत दिया ना, पाकिस्तान से इन 2 दिनों के अंदर जीत हासिल की है। ये भी पागलपन है ना, उसका एक से अगला जो एक्ट है वो पिछले से जुड़ता है, वो पागलपन की इंतहा तक पहुंचता है। और हर जो उस जी बिल्कुल विक्ट्री मना रहे थे और दुनिया ने खुल्लम खुल्ला जब F-16 की बात की तो अमेरिका तक ने कह दिया कि पाकिस्तान के पास सारे F-16 मौजूद हैं, उनके पास तो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, और वो F-16 को गिराने के दावे कर रहे थे। तो मकसद ये है कि उसका एक फेल पिछले फेल से भी बदतर होता है, और अच्छी बात है कि दुनिया को ये चीज़ें समझ आती हैं। और मैं जनरल साहब की इस बात को सपोर्ट करूँगा कि ये वो वक्त है जब दुनिया इस बात को समझ ले, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं ये सिर्फ इस खित्ते को नहीं, ये दुनिया के दूर दराज इलाके को अपनी हिरासत में ले लेंगी और पूरी दुनिया का नुकसान होगा। अगर दुनिया अब भी ना समझे तो फिर दुनिया अपना नुकसान खुद करवाएगी। बिल्कुल ये भी बात सही है कि ये धमाका होगा, क्योंकि हम इस चीज़ से ना डरने वाले हैं और हम अपने ऊपर जुल्म एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। जो जुल्म और जो बर्बरियत हमारे बहन भाइयों और बड़ों छोटों के साथ कश्मीर में हो रही है, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं, वो कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? कश्मीरी जो हैं, जैसे मैंने कहा, वो तो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस वक्त मैदान में उतर आए हैं, और इसका हल वो लेकर वो फिर बैठेंगे, वो इसके बगैर नहीं रुकेंगे। और पूरी दुनिया में आप देख लीजिए
कि इस तरह की जो आजादी की। चलिए मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आप जरा शाहिद लतीफ साहब को रोकिएगा क्योंकि हमें आना है, जिस तरह कोई बात दिल को लग जाती है। जनरल साहब आपका एक पॉइंट मेरे दिमाग के अंदर, मतलब आप कह सकते हैं कि वो सवाल बार बार गर्दिश कर रहे हैं और यहाँ पे बार बार ये सवाल आ रहा है और आपका जवाब मुझे चाहिए, आप दोनों का जवाब मुझे चाहिए कि आपने कहा कि डॉक्टर बताता किसी पागल को, कह रहे तुम तो पागल हो, वो डॉक्टर कौन होगा दुनिया का जो नरेंद्र मोदी को सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भाई साहब आज आपको हम डिक्लेयर करें कि आप पागल हो चुके हैं। ब्रेक के बाद जवाब लूंगी दोनों मेहमानों से। वेलकम बैक नासिन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान। और आज जुमे के दिन हम बात करते हैं जी भारत के हवाले से। भारत में हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस की सोच और जो इनकी हिंदुत्व मेंटालिटी है वो इतनी बढ़ती चली जा रही है, मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ता चला जा रहा है कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये जाती हुई दिखाई देती है खाना जंगी की जानब। और कश्मीर की सूरत हाल आप सबके सामने है, कश्मीर को हम कैसे भूल सकते हैं, खासतौर पर अब जब कर्फ्यू का समा बन चुका है, कर्फ्यू का माहौल बन चुका है, हर कोई कर्फ्यू को ही भुगतता दिखाई दे रहा है। कोरोना एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर आया, मैं बार बार कह रही हूँ जब से कोरोना आया कि कोरोना बहुत बड़ी वेकअप कॉल है और कोरोना बता रहा है कि इसी ज़मीन पर एक खत्ता ऐसा है जो बहुत अरसे से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। ये कर्फ्यू होता क्या, हम तो लॉकडाउन में हैं, हम घरों में बंद होकर अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमारी जो डेली रूटीन है बहुत मुतासर हुई है, लेकिन हमारे पर जुल्म नहीं हो रहा। हमारे पास टीवी की फैसिलिटी है, हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, हम लोगों के ऊपर जुल्म और जबर नहीं करने के लिए बाहर भारतीय फौज खड़ी हुई हाथ में असलहा पकड़ के पैलेट गन्स पकड़ के कुछ छर्रे नहीं बरसा रहा आपकी आंखों पे, आपकी बिनाई नहीं ले रहा। लेकिन अभी भी अगर आप कर्फ्यू का मतलब नहीं समझेंगे, कश्मीर के दुख को, कश्मीर की तकलीफ को अभी भी अगर महसूस नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, जब ये पूरा माहौल आपको बता रहा है, कश्मीर का हाल प्रैक्टिकली दिखा रहा है और तमाम लोग खुद महसूस कर रहे हैं, अपने ऊपर गुजर रही तो पता चल रहा है कि कश्मीर में क्या हाल होगा, कश्मीरियों का क्या हाल होगा। फिर सलाम पेश करना बनता है ना उन कश्मीरियों को कि क्या हौसला है उनका। तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी शायद दीपा, आपने मेरी गुफ्तगू भी सुनी, मैं सवाल नहीं पूछूंगी, आप किस तरह सलाम पेश करेंगे कश्मीरियों के हौसले को। देखें, पहली बात तो ये है कि चूंकि आपने दोबारा सवाल किया कि वो कौन डॉक्टर होगा जो मोदी से कहेगा कि तुम पागल हो, तुम रहने के काबिल नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छा कि आपने वो सवाल याद करवा दिया मुझे जी। हो और इतनी बड़ी बर्बरियत और जुल्म जी इसीलिए मैंने याद करवाया कि मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरे नज़दीक उसका जिक्र एक ऐसा शख्स कर सकता है जो कि किसी हिंदुओं में जरूरत तो नहीं होगी, क्योंकि मौत एक बहुत बड़ी कीमत है जो कि उनमें से कोई भी अदा नहीं करना चाहता। अगर कोई ऐसी बात करेगा तो उसको अपनी जान देनी पड़ेगी, वो उसको मरवा देगा। वो ये शख्स जो इतना खुददार, इतना जो निचली सतह का आदमी है और जिसमें जो 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 एक दूसरे से बदला लेने वाली जो बात है वो इस हद तक है कि वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लिहाजा उसे मरवा दिया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जरूरत कोई नहीं करेगा और इसको कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम पागल हो, जाओ पागल खाने में अपना इलाज कराओ, ये जरूरत कोई नहीं करेगा। ये आपकी ये वाली बात है। आपका दूसरा सवाल क्या था? ठीक है, अब कश्मीर जी, कश्मीर के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी, कश्मीरियों के हौसले को आज आप किस अंदाज में सलाम पेश करेंगे शायद लतीफ साहब, कि हम लोग लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो लोग कर्फ्यू में हैं और आप सोचें कि कैसे उस जुल्म और सितम में, उस जबर में वो कर्फ्यू में अपने घरों में बंद होते हैं। तो आज दुनिया को समझ आया कि घरों में बंद होना होता क्या है। देखें, वो फिर भी इसका अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं, जो कश्मीरियों के साथ जुल्म और तशद्दद अरसे से है, वो लॉकडाउन कंडीशन में है। वो तो आजकल खासकर देखें कोरोना की सूरत में भी उनकी दवाइयां बंद हैं, उनका एक दूसरे के साथ जो है वो जो कनेक्शन है वो बंद है, यानी वो किसी एक दूसरे से ना बात कर सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं, उनका खाना पीना बंद है, उनकी दवाइयाँ बंद हैं। कोरोना के सिलसिले में उनकी हर वो जो मेडिकल एड उन्हें चाहिए वो सारी की सारी बंद है, लिहाजा वो किस हालत में है ये तो हम जानते भी नहीं, क्योंकि हमारा भी उनके साथ सारा जो ताल्लुक है वो टूट चुका है, पूरी दुनिया का ताल्लुक टूट चुका है। वो जो जुल्म और तशद्दुद उनके साथ हो रहा है वो एक वक्त आने पर ही खुलेगा, ये वॉर क्राइम्स हैं और ये मोदी को इसका जवाब देना होगा।
और ये लटकाया हुआ हमें नज़र आएगा, इसको लटकाया जाएगा। इतने बड़े बड़े वॉर क्राइम्स हैं जिसका ये जवाब ये और इसकी जो दहशतगर्द जमात है आरएसएस वो नहीं दे सकेगी। उसको पुलिस की वर्दियां पहनाकर वहां खड़ा किया जाता है और वो जो लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं वो तो तारीख में आपको देखने में नहीं मिलते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों को सलाम पेश करना चाहिए, कायद आज़म को भी। उन्होंने उस वक्त ये कह दिया था कि पाकिस्तान हर सूरत में मुसलमानों को चाहिए, क्योंकि वो जो दो कौमी नज़रिया था उसकी बड़ी क्लियर उन्होंने मिसाल दी थी और वो तन तनहा इस मैदान में लड़े थे। गो इसके ऊपर चंद लोगों ने उंगलियां उठाने की कोशिश की थी मगर वो एक पहाड़ की तरह पूरे मुसम्मम इरादे के साथ मैदान में खड़े थे और पाकिस्तान लेकर रहे। तो ये आज सच साबित हो रहा है कि चूँकि हमारी कोई भी चीज़ उनसे नहीं मिलती, ना दीन मिलता है, ना रहन सहन मिलता है, हमारी तारीख का कोई हिस्सा उनसे जुड़ा हुआ नहीं। हमारे हिस्से ही अलग हैं, हमारी आदतें अलग हैं, हमारा खाना पीना, रहन सहन, हमारी तारीख, सारे के सारे हिस्से बिल्कुल अलहदा अलहदा हैं। हम उनके साथ कभी भी रहने का सोच ही नहीं सकते थे और पाकिस्तान बिल्कुल एक फितरी पैदावार है, हिंदुस्तान नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान के साथ जो होने जा रहा है, चूँकि वो गैर फितरी अमल के तौर पर एक मुल्क बना और वो उसी के नतीजे में आप देखेंगी कि किस तरह उजड़ जाएगा, टूट जाएगा और हिंदुस्तान का कोई टुकड़ा आपको इकट्ठा नज़र नहीं आएगा। मैं इसका ये जवाब समझता हूँ। ठीक है जी, जनरल साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगी, आखिरी दो मिनट हैं आपका, लास्ट कमेंट चाहूँगी। आप भी ज़रा बता दीजिएगा, एयर मार्शल रिटायर्ड शाह लतीफ़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो वक्त आएगा जब वो जवाब देगा। वो वक्त कब आएगा जनरल साहब आपके मुताबिक, जब ये जवाब देगा नरेंद्र मोदी? ये जो तरीके से हालात करती पा रहे हैं दुनिया में, मैं समझता हूँ कि वक्त ज्यादा दूर नहीं रहा है। जैसे किस तरीके से इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है दुनिया में, किस तरीके से दुनिया के जो क्रेडिट इंटरेस्ट हैं वो ओवरनाइट तब्दील हो रहे हैं और इस कोरोना वायरस के बाद जो नई ताकत का तोादन बनेगा उसमें भारत की जगह नहीं है। ये सब दुनिया ने देख लिया कि भारत के गैर रियासतें खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी चाइना ने ईरान के साथ फायदा किया है और मईशत तो उसकी पहले ही डूब गई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो साथ मिलकर कुछ गड़बड़ कर सकता है। शायद लतीफ साहब कह रहे हैं मईशत पहले ही डूब गई, जरा सा सही कह रहे हैं, बिल्कुल मईशत डूब गई उसके, अभी जो ईरान के साथ चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, इंडिया का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। जी, वो देखिए तो बहुत कुछ दुनिया में तब्दील होता जा रहा है। जब अरबों ने जिन्होंने कश्मीर पर इतना बड़ा जुल्म हुआ था आवाज नहीं उठाई, अब वो जब कहने पर मजबूर हो गए हैं तो अब तो मेरा ख्याल है दुनिया को उस डॉक्टर की जरूरत थी जिसे अभी शायद कह रहे थे ना। बस मुझे बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से, भारतीय सेना से और आरएसएस की जो सोच, आरएसएस की जो कि कश्मीर में आप देख रहे हैं कि नहते कश्मीर पर जुल्म का सिलसिला इतने सालों से जारी है और अब कर्फ्यू देख लें कि इतने दिनों से वो बेचारे वहां पर अपने घरों में बंद है। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब पूरी दुनिया कह देगी ने नरेंद्र मोदी को भी, भारतीय सेना को भी, कि बस बहुत हो गया, ऐसे नहीं चले। ठीक है, साथ डॉक्टर फैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगेबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।